क्या दिखाई जरा मुझे दिखाई क्या दिखाई ठीक है। आगरा का मैं पत्र है आप बताएं बताएं क्या करें उसका कराएं अरे निकालिए जरा मैं सर को व्हाट्सएप कर दूं सर को क्यों करेंगे मुझे दिखाइए गांधी कांग्रेस पार्टी नहीं हर बार जाने से रोक देते हैं कहीं घर से नहीं निकलने की क्या तरीका है यहाँ 144 है क्या जी 144 कब से लागू 144 दस मिनट पहले दशहरा के पहले से लागू आगरा में लागू है आगरा में भी लागू यहाँ भी लागू काहे का 144 काहे का 144 सड़क पर चलने के लिए 144 का जुलूस था मैं जा रहा था जुलूस को बिहार रुका गया नहीं सड़क पर चलने के लिए 144 लागू है सड़क पर नहीं चल सकते चल सकते सब गाड़ी बंद करो अध्यक्ष जी आप क्यों चल रहे हैं अरे भैया हम आप क्यों सर विधिक चीज बताएंगे नहीं नहीं क्या दिक्कत है भैया कहीं जाने में दिक्कत क्या दिक्कत है डीएम आगरा ने पत्र लिखा है मैम इसलिए मैम जी हम लोग से मेरा निवेदन है मैम आप कृपया निवेदन तो मैं समझ रही हूँ मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे कहीं भी जाने से आप रोक रहे कुशीनगर में लागू है जहाँ मोदी जी 10,000 की भीड़ लेके इकट्ठा है नहीं वहाँ कुशीनगर में है कि नहीं 144 कुशीनगर में है कि नहीं 144 बताओ ना भैया कुशीनगर में 144 है कि नहीं कुशीनगर में है कि नहीं है सर, क्यों प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं वहाँ कुशीनगर का क्यों मुख्यमंत्री भाषण देंगे ऐसे थोड़े होता है आपको कह दिए कानून नहीं आप कानून बना रहे हो मैं नहीं कह दिया सर आप जो कह दे कानून बाकी जो कहे वो कुछ नहीं अध्यक्ष जी मैं अजीब हाल है भाई नहीं मैं कुछ समझदार नहीं इसमें क्या डीएम की अनुमति है सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति चाहिए सड़क पर चलने के लिए डीएम की अनुमति नहीं चाहिए चलो भैया मैम प्लीज मैम गाड़ी चलाओ मैम आप क्या कहते हैं आप गाड़ी चलाओ अगर जहाँ भी मैं जाना चाहती हूँ वहाँ से क्या मैं रास्ता बैठी रहूँ क्योंकि इनको पॉलिटिकली कन्वीनियंट है गाड़ी पर मत पीटो गाड़ी पर मत पीटो